अब जैसे हम पूजा करते हैं और भगवान को मनाते हैं, वैसे ही ऐसा समय होता है जब हमें हमारे पूर्वजों को खुश करना चाहिए और उनके लिए पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज खुश हों और हमारी तरक्की हो सके, जिसको पितृपक्ष कहा जाता है। मैं हूं प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक आश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पिंडदान दिवंगत आत्मा को शांति देती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पिंडदान कौन कर सकता है, पिंडदान में कितने पिंड बनाए जाते हैं, इसकी विधि नियम क्या होते हैं? इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों को निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही भी होती है, तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और साथ में ये भी जानते हैं क्या बेटी पिंडदान कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के अंदर, उसके बारे में। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। कई चीजें शाकाहारी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए, इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। कोई भी शुभ काम इन 15 दिनों में नहीं किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है वैसे ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं पितृपक्ष में खरीदारी के नियमों के बारे में। इस दौरान खरीदारी को लेकर भी कुछ नियम भी हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कई सारे सामानों की खरीदारी की मनाही है। पितृपक्ष के 16 दिनों में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, शादी, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नए वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए। नए वस्त्र खरीदने से पितृ दोष बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों में प्रेत का वास होता है। ऐसे में अन्न और वस्त्र के दान की महत्ता है, लिहाजा इस दौरान ब्राह्मण को अन्न और नए वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी होती है। इसके अलावा पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। हालांकि पितृपक्ष के दौरान नई गाड़ी, फ्लैट, घर, मकान और जमीन को खरीद सकते हैं। शास्त्रों में इन चीजों के खरीदारी की मनाही नहीं है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इन चीजों के खरीदने से पितृ खुश होते हैं और उन्नति का आशीर्वाद भी देते हैं। अब जानते हैं कि क्या बेटियां पिंडदान कर सकती हैं। आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता, अपने वंशज का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करता है। पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए भी बेटों का पिंडदान करना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार, पुत्री, पत्नी और बहू अपने पिता के श्राद्ध और पिंड का दान कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान में मुख्यतः पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। अगर पिता जीवित हैं तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। अब आपको पिंडदान के महत्व के बारे में बताते हैं। पितृपक्ष में अपने मृत परिजनों का पिंडदान करना सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों के लिए किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि यदि पिंडदान नहीं किया जाता है तो पितरों की आत्मा दुखी होती है और असंतुष्ट रहती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।